इतनी बेइज्जती हो रही है, हमारा इतना प्रतिकार हो रहा है, इतनी गलत गलत बातें हमको बोली जा रही हैं। जिन लोगों के लिए, जिन सेंटर्स पे हम गए हैं, हमने खट्टर सरकार का इतना इतना प्रचार करा कि वो हमारे फेवर में है, देखिए कितना काम कर रही है बीजेपी, लेकिन हमें क्या मिल रहा है। एक तरफ जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वहीं योग वॉलंटियर्स इस योग दिवस का बहिष्कार करते हुए नजर आए। यमुनानगर में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योग वॉलंटियर्स ने बहिष्कार किया। काले रिबन लगाकर योग मुद्रा में जिला सचिवालय के बाहर हरियाणा योग शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के सभी योग वॉलंटियर्स ने धरना दिया। पूर्ण नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया गया। योग वॉलंटियर्स का कहना है कि हमारा बहिष्कार योग के खिलाफ नहीं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। सेवा संस्थाओं के साथ योग के लिए समर्पित हूं और सेवा कर रही हूं। और हम 2018 में लगे थे योग वॉलंटियर जिला खेल विभाग में, लेकिन हमारी इस समय इतनी दुर्दशा कर दी गई है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठ के हमें अपनी मांगे रखनी पड़ रही हैं और हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं लगातार, और ये बात ऊपर से योग परिषद की तरफ से हमारे पास आई थी कि हमारी शीघ्र ही नियुक्ति आयुष विभाग में कर दी जाएगी, जो कि योग विभाग आयुष विभाग का है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है, लेकिन काम हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा किया है जी। आज हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। मैं योग वॉलंटियर हूँ और हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं कि सभी हम, हमारा जीवन जो है योग को पूर्ण रूप से समर्पित है, मगर सरकार ने हमारे को एक साल के लिए अनुबंध आधार पर रखा था और उसके बाद हमें जो है दोबारा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। एक साल के बाद आज हमें पूरा 1.5 साल हो चुका है घरों पर बेरोजगार बैठे हुए, ना हमारे बारे में किसी तरह ने सरकार ने सोचा है, ना कुछ हमारे बारे में कोई कार्रवाई की है। इसलिए आज हमें जो है इसका 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हम बहिष्कार कर रहे हैं। और हमारा जो बहिष्कार है योग को लेकर नहीं है, हमारा बहिष्कार सरकार और अधिकारी की गलत नीतियों के खिलाफ है।